जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मिथुन राठौड़। असम राइफल्स ने टेक्निकल और ट्रेडमैन पदों की भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। नेम ऑफ पोस्ट है ब्रिज एंड रोड, कुल पद है 22। इस पद के लिए मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इस पद के लिए आवेदन करने वाला उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10th क्लास पास कर चुका हो और मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर चुका हो। इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार की एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष के बीच रहनी चाहिए। नेम ऑफ पोस्ट है क्लर्क, कुल पद है 349। इस पद के लिए मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इस पद के लिए आवेदन करने वाला उम्मीदवार मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th क्लास पास कर चुका हो और उम्मीदवार की कंप्यूटर की टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 35 WPM रहनी चाहिए और हिंदी में 30 WPM रहनी चाहिए। इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार की एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच रहनी चाहिए। नेम ऑफ पोस्ट है पर्सनल असिस्टेंट, कुल पद है 19। इस पद के लिए मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इस पद के लिए आवेदन करने वाला उम्मीदवार मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th क्लास पास कर चुका हो और कंप्यूटर पर कौशल प्रशिक्षण श्रुतलेख 10 मिनट और 18 शब्द प्रति मिनट, ट्रांसलेशन समय इंग्लिश में 50 WPM रहनी चाहिए और हिंदी में 65 WPM रहनी चाहिए। इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार की एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच रहनी चाहिए। नेम ऑफ पोस्ट है इलेक्ट्रिकल फिल्टर सिंगल, कुल पद है 42। इस पद के लिए ओनली मेल कैंडिडेट आवेदन करे। इस पद के लिए आवेदन करने वाला उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से साइंस, मैथ और इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ 10th क्लास पास कर चुका हो। आवेदन करने वाले उम्मीदवार की एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष के बीच रहना चाहिए। नेम ऑफ पोस्ट है लाइनमैन फील्ड, कुल पद है 28। इस पद के लिए आवेदन करने वाला उम्मीदवार मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10th क्लास पास कर चुका हो और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में ITI प्रमाण पत्र रहना चाहिए। इस पद के लिए ओनली मेल कैंडिडेट आवेदन करे। आवेदन करने वाले उम्मीदवार की एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष के बीच रहनी चाहिए। नेम ऑफ पोस्ट है इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिकल, कुल पद है 3। इस पद के लिए ओनली मेल कैंडिडेट आवेदन करे। इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10th क्लास पास कर चुका हो और संस्थान से इंजीनियरिंग उपकरण मैकेनिकल ट्रेड में ITI प्रमाण पत्र होना चाहिए। इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार की एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष के बीच रहना चाहिए। नेम ऑफ पोस्ट है इलेक्ट्रिशियन मैकेनिकल व्हीकल, कुल पद है 23। इस पद के लिए ओनली मेल कैंडिडेट आवेदन करे। इस पद के लिए आवेदन करने वाला उम्मीदवार 10th क्लास पास कर चुका हो और मोटर मैकेनिकल ट्रेड में ITI प्रमाण पत्र होना चाहिए। इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार की एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष के बीच रहना चाहिए। नेम ऑफ पोस्ट है इक्विपमेंट रिपेयर मैकेनिकल, कुल पद है 12। इस पद के लिए ओनली मेल कैंडिडेट आवेदन करे। इस पद के लिए आवेदन करने वाला उम्मीदवार 12th कक्षा पास कर चुका हो और इंटरमेंट में ITI प्रमाण पत्र होना चाहिए। इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार की एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष के बीच रहना चाहिए। नेम ऑफ पोस्ट है व्हीकल मैकेनिकल, कुल पद है 35। इस पद के लिए ओनली मेल कैंडिडेट आवेदन करे। इस पद के लिए आवेदन करने वाला उम्मीदवार 10th क्लास पास कर चुका हो, साइंस, मैथ और इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ और उम्मीदवार के पास डिप्लोमा या ITI प्रमाण पत्र होना चाहिए। इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार की एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष के बीच रहना चाहिए। नेम ऑफ पोस्ट है अल्पोस्टर, कुल पद है 14। इस पद के लिए ओनली मेल कैंडिडेट आवेदन करे। इस पद के लिए आवेदन करने वाला उम्मीदवार 10th क्लास पास कर चुका हो और संबंधित ट्रेन में प्रमाण पत्र होना चाहिए। इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार की एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष के बीच रहना चाहिए। नेम ऑफ पोस्ट है इलेक्ट्रिशियन, कुल पद है 43।
इस पद के लिए ओनली मेल कैंडिडेट आवेदन करें। इस पद के लिए आवेदन करने वाला उम्मीदवार 10th क्लास पास कर चुका हो और संबंधित ट्रेड में ITI प्रमाण पत्र होना चाहिए। इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार की एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच रहनी चाहिए। नेम ऑफ पोस्ट है प्लम्बर, कुल पद है 33। इस पद के लिए ओनली मेल कैंडिडेट आवेदन करें। इस पद के लिए आवेदन करने वाला उम्मीदवार 10th क्लास पास कर चुका हो और संबंधित ट्रेड में ITI प्रमाण पत्र रहना चाहिए। इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार का एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष के बीच रहना चाहिए। नेम ऑफ पोस्ट है सेवर, कुल पद है 10। इस पद के लिए ओनली मेल कैंडिडेट आवेदन करें। इस पद के लिए आवेदन करने वाला उम्मीदवार 10th क्लास पास कर चुका हो और संबंधित ट्रेड में ITI प्रमाण पत्र रहना चाहिए। इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार की एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष के बीच रहना चाहिए। नेम ऑफ पोस्ट है एक्सरे असिस्टेंट, कुल पद है 28। इस पद के लिए ओनली मेल कैंडिडेट आवेदन करें। इस पद के लिए आवेदन करने वाला उम्मीदवार 12th क्लास पास कर चुका हो, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से रेडियोलॉजी में डिप्लोमा कर चुका हो। इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार की एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष के बीच रहना चाहिए। नेम ऑफ पोस्ट है वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट, कुल पद है 9। इस पद के लिए ओनली मेल कैंडिडेट आवेदन करें। इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से पशु चिकित्सा विज्ञान में 2 वर्ष के डिप्लोमा प्रमाण पत्र के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और पशु चिकित्सा में क्षेत्र में 1 वर्ष का अनुभव रहना चाहिए। इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार की एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष के बीच रहनी चाहिए। नेम ऑफ पोस्ट है फार्मासिस्ट, कुल पद है 32। इस पद के लिए मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इस पद के लिए आवेदन करने वाला उम्मीदवार 12th क्लास पास कर चुका हो और फार्मेसी में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार की एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच रहनी चाहिए। नेम ऑफ पोस्ट है फीमेल सपाई, कुल पद है 9। इस पद के लिए ओनली फीमेल कैंडिडेट आवेदन करें। इस पद के लिए आवेदन करने वाला उम्मीदवार मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10th क्लास पास कर चुका हो। इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार की एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच रहनी चाहिए। नेम ऑफ पोस्ट है बार्बर, कुल पद है 68। इस पद के लिए ओनली मेल कैंडिडेट आवेदन करें। इस पद के लिए आवेदन करने वाला उम्मीदवार मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10th क्लास पास कर चुका हो और इस पद के लिए आवेदन करने वाला उम्मीदवार की एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष के बीच रहना चाहिए। नेम ऑफ पोस्ट है कुक, कुल पद है 339। इस पद के लिए ओनली मेल कैंडिडेट आवेदन करें। इस पद के लिए आवेदन करने वाला उम्मीदवार मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10th क्लास पास कर चुका हो। इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार की एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष के बीच रहनी चाहिए। नेम ऑफ पोस्ट है मसाइलीची, कुल पद है 4। इस पद के लिए ओनली मेल कैंडिडेट आवेदन करें। इस पद के लिए आवेदन करने वाला उम्मीदवार मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10th क्लास पास कर चुका हो। इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार की एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष के बीच रहना चाहिए। नेम ऑफ पोस्ट है मेल सफाई, कुल पद है 107। इस पद के लिए ओनली मेल कैंडिडेट आवेदन करें। इस पद के लिए आवेदन करने वाला उम्मीदवार 10th क्लास पास कर चुका हो। इस पद के लिए आवेदन करने वाला उम्मीदवार की एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष के बीच रहनी चाहिए। सभी उम्मीदवार इस बात का ध्यान रखें, SC ST उम्मीदवार को एज में 5 वर्ष की छूट मिलेगी, OBC उम्मीदवार को एज में 3 वर्ष की छूट मिलेगी। बात करते हैं फिजिकल के बारे में। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार की मेल उम्मीदवार की हाइट 170 सेंटीमीटर रहनी चाहिए, चेस्ट 80 सेंटीमीटर रहनी चाहिए, 85 सेंटीमीटर एक्सपेंशन रहनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट की हाइट 157 रहनी चाहिए। क्लर्क और पर्सनल असिस्टेंट पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार की हाइट 165 सेंटीमीटर रहनी चाहिए,
चेस्ट 77 सेंटीमीटर रहनी चाहिए और 82 सेंटीमीटर एक्सपेंशन रहनी चाहिए। और फीमेल कैंडिडेट की हाइट 155 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। क्लर्क के लिए आवेदन करने वाले फीमेल की हाइट 155 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। कुछ राज्य के उम्मीदवार को हाइट और चेस्ट में छूट दी जाएगी, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन तरीके से है, ऑनलाइन आवेदन चालू हो चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख है 25 अक्टूबर 2021। ग्रुप बी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार को 200 आवेदन फी है। ग्रुप सी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को 100 रुपीज आवेदन फी है। एससी एसटी फीमेल ईएसएम उम्मीदवार को कोई एप्लीकेशन फी नहीं है। बात करते हैं फिजिकल टेस्ट के बारे में। इस भर्ती के लिए मेल उम्मीदवार को 5 किमी रन 24 मिनट में पूरा करना होगा और 1.6 किमी रन 6 मिनट 30 सेकंड में पूरा करना होगा। फीमेल उम्मीदवार को 1.6 किमी रन 8 मिनट 30 सेकंड में पूरा करना होगा और 800 मीटर रन 4 मिनट में पूरा करना होगा। क्लर्क और पीए ट्रेड के स्किल टेस्ट होगी। राइटिंग एग्जाम कुल 100 मार्क का होगा। एग्जाम पासिंग के लिए उम्मीदवार को जनरल ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार को 35 मार्क प्राप्त करना होगा। एससी एसटी ओबीसी उम्मीदवार को 33 मार्क प्राप्त करना होगा। मैं आपको इसका पीडीएफ और एप्लीकेशन दोनों ही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने से पहले एक बार जरूर पढ़ ले। इस भर्ती का चयन फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल टेस्ट, राइटिंग एग्जाम, स्किल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट के आधार पर किया जाएगा। इस भर्ती सिलेक्शन हुए उम्मीदवार को अच्छी खासी सैलरी दी जाएगी। धन्यवाद।